हाँ तो थोड़ा एक कागजी कार्रवाई थी तो ऑफिस ऑफिस में उसके लिए आए थे। पुराने मित्रों को भी मिले क्योंकि मेरी यादें 8 साल यहाँ जुड़ी हुई हैं और लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है। जैसे आप तो पुराना स्कूल में जब जाते हैं आप तो आपका जो याददाश्त है वो पीछे चली जाती है कि यहाँ बैठते थे, यहाँ क्लास होती थी, यहाँ खेलते थे। तो इसी तरह लोकसभा सेंट्रल हॉल में राजनीति की शुरुआत के दिनों की यात्रा सुखावत जी से भी आपको मिला था जी 4:30 बजे 4:30 बजे जल शक्ति मंत्री वीरेंद्र शेखावत से मीटिंग है। बहुत ही अहम मीटिंग है क्योंकि पंजाब का जो पानी है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, बल्कि कुछ सरहदी जिलों में तो वहाँ पे यूरेनियम आर्सेनिक और हैवी मेटल्स पानी में पाए गए हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं। लगभग कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ हर घर में व्हील चेयर है। तो सतलुज का पानी जिसको इस्तेमाल करके गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को अमृत बनाया था, उस सतलुज का पानी लुधियाना आते आते कैंसर की नदी बन गया, कैंसर का दरिया बन गया। तो उस सिलसिले में जल शक्ति मंत्री से बात करेंगे और केंद्र के साथ मिलकर हम पंजाब के पानी को स्वच्छ करेंगे। पंजाब का नाम पानियों के नाम पर है, 5 आब 5 दरिया। तो हम अपने दरिया की नदियाँ ने नाले तो हम साफ करेंगे, ये हमारे गारंटी भी थी इलेक्शन के दौरान और वादा भी है और हमारा फर्ज। मान साहब एजी का इस्तीफा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं थे कामकाज से और इस वजह से वो उन्होंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं। एजी साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं और हमारी टीम के मेंबर हैं और आने वाले दिनों में उनका कानूनी जानकारी का इस्तेमाल भी करते रहेंगे और वो हमारी टीम के मेंबर हैं, इसी कोई बात नहीं। तो सब जो तरह से बातें आ रही तो अनमोल रतन सिद्धू जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ उनकी आने वाले दिनों में कुछ उनकी पहले जो अरेंजमेंट थी वो कमिटमेंट थी वो लिखा दिया उन्होंने 2-4 दिन। तो मैंने कहा कि देख लो अगर चलता है कुछ, वो कहते नहीं जी मैं कुछ किसी बात से दुखी नहीं हूँ लेकिन मेरा इस्तीफा गवर्नमेंट ने एक और सीनियर वकील बनी थी जी को जो है ए जी नियुक्त किया है। हम चाहते हैं